अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे टिक्का बोटी हम बनाने वाले हैं और आपको लाइव दिखाएंगे कैसे ये तैयार की जाती है। और हमारे साथ काफी सारे दोस्त हमारे मौजूद हैं, हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे खड़े हैं। और ये हमारे बड़े भाई भी हैं, हल्ला के बेटे भी हैं और बहुत रिश्ते हैं के साथ हमारे गहरे साथ साथ आपको वो भी बताएंगे और साथ और भी रिश्तेदार हैं वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ टिक टॉक स्टार भी बैठे हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे, उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। सबसे पहले हम ये ऊपर रख लेते हैं ताकि साथ साथ ये भी पकते रहें और हमारी बातें भी चलती रहें। ये आपने अपने घर में ट्राई जरूर करना है क्योंकि जो अपने हाथ में जायका होता है वो किसी के हाथ में जाकर नहीं होता। और मेरे हाथ में इतना जायका है कि बड़ी बड़ी दूर से लोग इनाब टिक्का बोटी खाने के लिए आते हैं। और ये जो भाई हमारे पीछे खड़े हैं ये कराची से आए हैं सिर्फ ये टिक्का बोटी खाने के लिए। हमने ऊपर रख दिया, अब साथ साथ हम ये भी आपको दिखाएंगे और साथ साथ लोगों का इंट्रोडक्शन भी आपको करवाएंगे। तो चले सबसे पहले आपको लेके चलते हैं भाई, आप इधर आए ना। नहीं ये देख ले भाई, सामने नहीं आ रहे, कहते नहीं आप नहीं बात करते। ये हमारे चाचू जान है, दुबई से आए हैं। ठीक है, ये दुबई रह के आए हैं लेकिन अब बूढ़े हो चुके हैं और कम ही खाते हैं इसलिए इनकी सेहत भी कम ही रह गई है। और ये हमारे वाले साहब है अब्बा जान, सर के बाल सफेद हो चुके हैं लेकिन दिल बूढ़ा नहीं हुआ उनका, दिल अभी भी जवान है। और ये हमारे टिकटॉक स्टार दानिश भाई, आप उनको शायद कहीं वीडियो में आपने देखा हो, काफी सारे इनकी वीडियो वायरल भी हुई हैं और बहुत दूर दूर से लोग इनसे मिलने आते हैं, इनके साथ टिकटॉक बनाते हैं, हम भी इसलिए इनके पास आए। ये हमारे कजन है, दोस्त है हमारे, हल्ला के बेटे भी हैं, कजन भी हैं, दोस्त भी हैं भाई। यूनान से? यूनान से नहीं, ये तुर्की से डिपोर्ट हो गए हैं, अभी ये अल्बानिया जाने वाले हैं और इंशाल्लाह इनका गोल इनका जर्मन है, जर्मन जाके ये सेटल होंगे। वन ब्रदर इन जर्मनी। और ये हमारे मामू जान है जो के बहुत ही प्यारे, एक एक हमारा मामू है, बहुत सारे भांजे हैं इनके, बहुत सारे बच्चे हैं इनके और मामू सिर्फ एक है, ये ना इंसाफी है। ठीक है, और ये राजा भाई, ये मामू का बेटा ईसा, ये मामू का बेटा देख लो भाई, गोलू मोलू आ जाओ तुम भी आ जाओ। और ये भाई इन भाई की ये भांजी है, हमारी भी भांजी है, इधर आओ दोनों आए ऐसे ऐसे करो भाई। इन लोगों के लिए आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं करना, सिर्फ लाइक करना है। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। लाइक तो लाजमी करेंगे, क्योंकि अंगूठा सिर्फ चूसने के लिए नहीं होता, अंगूठा लाइक करने के लिए होता है, कमेंट करने के लिए होता है। तो चलिए भाई देखते हैं, ये हमारे कहीं खराब ही ना हो जाए, साथ साथ ये भी आपको दिखाते हैं। नीचे से थोड़े से पक गए बंदा, पकड़ो भाई कैमरामैन चेंज किया जाए। भाई ये इनको दिखाएं ऐसे अपने घर में तैयार करना है आपने, हल्की आंच पे जो मजा है ना वो कहीं और नहीं है। तो इंशाल्लाह खा के आपको बताएंगे कि स्पाइसी, मुझे तो स्पाइसी लग रहे हैं, खा के बताएंगे कैसे लगे हैं, मेहमानों से भी पूछेंगे उनको कैसे लगते हैं, क्योंकि हम वीकेंड पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं हर वीकेंड पे। अबू जरा भेड़े बाकी आप खुद समझदार हैं। बाकी ये भी भाई इनको दिखाएं, पीछे ये भी पड़ा हुआ है, इसके बाद वो भी हम तैयार करेंगे, देखते हैं किस किस के हिस्से में आता है, कौन कौन खा पाता है और कौन कौन पीछे रह जाता है। अपनी भाई मदद खुद करनी, यहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करता। अपने लिए खुद आपने आप जपटा जपटी करनी है, क्योंकि सस्ता टिकाऊ माल है, जो छीन सकता है छीन ले, प्यार से कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे छीनना पड़ता है। दस का बीस नहीं भाई, ये बहुत महंगा है भाई, 10 का 20 नहीं है। मामू जी कितने का मिलता है? तुम तो खाते रहते हो। 100 रुपए का
तब तक लिए यार ये बाहर व्यू भी दिखा दे, रात का टाइम है वैसे इतना कुछ नजर तो नहीं आने वाला, लेकिन आपको ये थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठंड का मौसम है, लोग अपने अपने घरों में सोए हुए हैं और हम यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। जैसे वो मशहूर हुई थी ना, ये हमारी कार है और ये मैं हूँ और ये पार्टी हो रही है। और ये हमने भाई खुद ही जुगाड़ लगाया है, ये देखें, ये अक्सर नानियों के पास होता है शावर, और ये हमने रखा हुआ है इसके ऊपर ऐसे ऐसे करने के लिए। कैसा लगा? थोड़ा थोड़ा तो भाई इसको पक्की के साथ हमने ऐसा भी करना है ताकि सेक लगता रहे और साथ साथ मजा आता रहे। अब इसका जो है ना साइड चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड पे भी तेल लगा लें हम, और जो है ना तेल का फायदा ये होता है ये जरा नरम भी हो जाता है। कुछ दोस्त आज हमारे आए भी नहीं है, एक दफा और जो है पकता है तो भाई दोबारा आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थोड़ी ब्रेक हो जाए। लो दोस्तों, बड़ी मुश्किल के साथ मेरी बारी आई है, सारे एंड हो गया, सबका डन हो गया, अब हमारी बारी आई है। चेक करते हैं बाकी सब ने बहुत तारीफ की है, ये देखें ये दिखा दें उनको, सब ने जो ना खा पी के ढेर लाए हो गए हैं, अब हमारी बारी आई है, चेक करते हैं अब कैसा बना। सबने खाया हड्डी का ढेर लाया, सबने खाया और हड्डी का ढेर लाया। जिंदगी का मजा आ जा रहा ना एंडी, खट्टे च नहीं तिक्खा मोटी च। आहा बड़े कमाल का भाई, आप लोग भी अपने घर ट्राई करें, इंशाल्लाह मजा आएगा और सबको फैमिली के साथ कल्याणा ही खाना है, सारी फैमिली इकट्ठे करके खाना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी न्यू ब्लॉग में, किसी न्यू प्लेस पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, गुड बाय।